हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की डोल बनाना सीखेंगे। इस डोल को बनाने के लिए मैंने दो कलर के प्लास्टिक के रिबन का यूज़ किया है और जीरो साइज़ के वाइट कलर के मोती का यूज़ किया है। इसे बनाना शुरू करने से पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम आज इस तरह के डोल बनाना सीखते हैं। डोल के लिए सबसे पहले हम नीचे जो घेरा बनाते हैं, उस घेरे को हम किसी भी पुराने कार्ड से या चार्ट पेपर से या फिर साड़ियों के खाली डब्बे से किसी से भी हम बना सकते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले पुराने कार्ड से इसका घेरा बनाना बताती हूँ आपको। इस तरह हम ये पुराना कोई भी कार्ड ले लेते हैं, इस कार्ड के ऊपर अपने डोल को के सेंटर में रख लेते हैं। जितना हमको इसकी लंबाई चाहिए रहती है, उत्ते के ऊपर हम पेन से निशान लगा लेते हैं, उसे थोड़ा सा एक या डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। एक्स्ट्रा लेने के बाद हम इंची टेप से इसके सेंटर से इंची टेप से, जैसे ये हमारा ये छः आया है तो हम इसको साढ़े छः ले लेते हैं। साढ़े छः मैंने ये ले लिया, तो इस सेंटर से इसके इधर दूसरी तरफ भी साढ़े छः ले लेती हूँ मैं, और इधर भी साढ़े छः ले लेती हूँ, तो पूरा साढ़े छः पे है। इसके सेंटर से इस तरह इसको साढ़े छः पे इस तरह राउंड काट लेती हूँ मैं, निशान लगा के इस तरह राउंड काट लेते हैं उसको। इस तरह हमारा ये घेरा बन जाता है। अब इस घेरे को हम कैंची से कट कर, कट करने के बाद इसको मैं हाफ़ कर लेती हूँ। हाफ़ करने के बाद इसे ऊपर से हम एक एक इंच पे निशान लगा लेते हैं। एक इंच पे इधर निशान लगाते हैं, एक इंच पे इधर निशान लगाते हैं, सेंटर में भी एक इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसे राउंड में हम कट कर लेते हैं। इसे राउंड बना के इसे भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह हमारे डोल का नीचे लगाने का घेरा बन जाता है। जितना हमको नीचे इसमें जितना घेरा चाहिए रहता है उतना हम रख लेते हैं और बाकी का इसे हम इस तरह अंदर डाल के इसे फेविक्विक से चिपका लेते हैं, सॉरी ग्लू गन से चिपका लेते हैं इसे। इस तरह हमारे पूरा घेरा इस पर हम चिपका लेते हैं। अब इस घेरे के ऊपर हम इस तरह के फ्लावर से बना के चिपकाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक के दो रिबन लिए, एक ऑरेंज कलर का लिया है और एक पर्पल कलर का लिया है। इन दोनों की मैं तीन तीन इंच की पट्टियां काटती हूँ। इस तरह पट्टियाँ काटते हैं। पट्टियाँ काटने के लिए मैंने एक तीन इंच का एक कार्डबोर्ड का एक पीस काट लिया है, तो इस तरह हम इसे नाप के इसको इस तरह भी हम यहाँ से जल्दी जल्दी कट कर सकते हैं। इस तरह हम इसकी पट्टियाँ काट लेते हैं। पट्टियाँ काटने के बाद हम इसे हाफ फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम बारीक बारीक स्ट्रिप काट लेते हैं, आगे की तरफ आधा इंच का हिस्सा हम छोड़ देते हैं। इस तरह से हम इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप काट लेते हैं। इस तरह हम ये स्ट्रिप काट लेते हैं। स्ट्रिप काटने के बाद जिधर से हमने मोड़ के इसको काटा था उसका
उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद दोनों को, दोनों हिस्सों को पीछे से मिलाते हैं। मिलाने के बाद एक तरफ से इसको इस तरह फोल्ड करते हैं, फिर दूसरी तरफ से इसे इस तरह फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद हम इसे स्टेपलर से स्टेप कर देते हैं, हमारा एक ये फूल बन जाता है। पप्पा से जिधर से हमने इस तरह मोड़ के इसको काटा था उसका उल्टा कर लेते हैं, इस तरह पीछे से दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद किनारे वाले हिस्से को अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हैं, दूसरे हिस्से को भी अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ते हैं और फिर इसे स्टेपलर से हम पिनअप कर देते हैं। उल्टा इसलिए करते हैं हम कि उल्टा करने से ये हमारे निशान जो बन जाता है काटने पे, वो निशान नहीं दिखाई देता है उनका। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके हम इसे पिनअप कर देते हैं। इस तरह हम बहुत सारे फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर बनाने के बाद हम अपने डॉल को लेते हैं। अपने डॉल को लेने के बाद हम पहली रो लगाते हैं। पहली रो में हम दो पर्पल कलर के फूल लगाएंगे, फिर दो ऑरेंज कलर के लगाते हैं। इस तरह हम इसमें फर्स्ट रो लगाते हैं। इस तरह हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद सेकंड रो में जहाँ पे हमने दो ऑरेंज लगाए हैं उसमें एक पे तो ऑरेंज लगेगा, एक पर्पल के ऊपर हम दूसरा ऑरेंज लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं। दूसरा हम पर्पल के ऊपर लगाते हैं। एक पर्पल पे आएगा हमारा, दूसरा फिर ऑरेंज पे आएगा हमारा। इस तरह हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह में ये पूरा इसको ऊपर तक इसी तरह कर लेते हैं। ऊपर जाके हमारी ये दो दो नाव के एक एक हो जाएंगे। इस तरह इसे पूरा कर इस तरह हमने इसकी सभी रो कंप्लीट कर ली। रो कंप्लीट होने के बाद हम इसके जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे ऑरेंज कलर के रिबन से इस तरह हमने ये ऑरेंज रिबन इसमें ऊपर लगा लिए। अब हम इसकी चोली बनाते हैं। चोली हम पर्पल कलर के रिबन की बनाते हैं। इस तरह हम क्रॉस में इस रिबन को इस तरह काट लेते हैं। फिर हम इसके दो पीस काट लेते हैं। इसके हम यहाँ रिबन के दो पीस काट लेते हैं। दो पीस काटने के बाद हम इस तरह इसको क्रॉस लगाते हैं। एक तरफ के रिबन को इस तरह क्रॉस लेके जाते हैं, दूसरे तरफ के रिबन को हम इस तरह क्रॉस लेके जाते हैं। यहाँ पे हम ग्लू गन से इसे चिपका लेते हैं। एक हिस्सा इधर से चला जाएगा हमारा पीछे, दूसरा हिस्सा इधर से चला जाता है आगे। हम इस तरह इन दोनों को यहाँ पे हम ग्लू गन की मदद से चिपका लेते हैं। इस तरह से पीछे से भी चिपका देते हैं।
इस तरह हमारी ये चोली भी बन जाती है। और यहाँ चोली के ऊपर यहाँ पे हम छोटा सा एक फूल लगाते हैं। फूल लगाने के लिए दोनों रिबनों की मैं छोटी छोटी सी दो पट्टियाँ काट लेती हूँ। इन दोनों को आपस में चिपका देती हूँ। डबल फोल्ड कर देते हैं। ऊपर इस तरह इसको यहाँ से कटिंग करने के बाद अब इसको हम पूरे को राउंड कर लेते हैं, जो हमारा एक छोटा सा फूल बन जाता है। इस तरह में से पूरे को राउंड, ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब इसे हम यहाँ पे आगे चिपका देते हैं। अब हम एक कागज़ की छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, इसके ऊपर इस तरह के हम ये पांच अपने फ्लावर लेते हैं, जो पांचों फ्लावर हम इसके ऊपर चिपका देते हैं। इस तरह पांचों फ्लावर चिपकाने के बाद हम इसमें अब ये पांचों फ्लावर इस तरह इसके सर के पीछे इस तरह चिपका देते हैं। फिर हम पर्पल कलर की एक छोटी स्ट्रिप और लेते हैं, अपनी दोनों बाजुओं के ऊपर राउंड कर देते हैं। इस स्ट्रिप के हम दो पीस कर लेते हैं। दो पीस करने के बाद हम दोनों बाजू दोनों बाजुओं के ऊपर भी हमने पर्पल रिबन की एक एक स्ट्रिप लगा ली है। अब हम इसके यहाँ गले के ऊपर जीरो साइज के वाइट कलर के मोती की रो लगाते हैं। इस तरह के हम ये वाइट कलर के मोती लेते हैं। इस तरह हमने गले के ऊपर ये मोतियों के एक रो लगा दिए। इसी तरह हम इसके दोनों हाथों के ऊपर भी, अब हमने दोनों हाथों के ऊपर भी मोतियों के एक एक रो कंप्लीट कर लिए। आगे की तरफ मैंने माला के नीचे चार मोती लगा के एक एक स्क्वायर बना दिया है। इस तरह ये कंप्लीट हो जाती है हमारी गुड़िया। बनने के बाद हमारी डोल कुछ इस तरह की बनती है। आपको मेरी डोल अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।